हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप अपना फ़ोन को आँखों से हैंडल कर सकते हैं, आँखों से ऑपरेट कर सकते हैं और आँख से अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर यूं कहें तो फ़ोन आप सामने में ऐसे रख दिए हैं, सामने में रखने के बाद आपको सिर्फ आँख से ऐसे ऐसे जैसे आप जो एप्लीकेशन खोलना चाहेंगे खुलेगा, मतलब ए टू जेड अपना आँख से आप जो है फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैं पहले आपको करके दिखाऊँगा, उसके बाद से सारा डिटेल्स इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं उपनीत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक चीज़ बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरा कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। तो चलिए पूरा डिटेल्स में बताते हैं। अगर कुछ आपको जानना है, कुछ समझना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है आपसे, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आकर मुझे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे वहाँ से मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं और लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए एक मेरे पास मोबाइल है जिसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ भी, अगर मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो प्ले करना है, तो आप यहाँ पर शायद आप कर्सर देख पा रहे होंगे, जहाँ जहाँ मैं देखूँगा वहाँ वहाँ ये कर्सर जाएगी। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं कि अब मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ वहाँ वहाँ ये कर्सर जाएगा, अगर मुंडी इधर उधर हिलाएंगे तो इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख पा रहे होंगे। तो अब मान लीजिए मुझे यूट्यूब का ओपन करना है, आप दोस्तों यहाँ पे देखते रहिए, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए ये ओपन हो गया, उसके बाद से अगर मुंडी ऊपर मैं करता हूँ ऐसे, तो देख लीजिए यहाँ पर यूट्यूब प्ले ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कुछ भी अगर मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ तो वहाँ से प्ले कर सकता हूँ, अगर मैं बैक करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से बैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ मैं ऐसे बिना छुए कर रहा हूँ, देखिए अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये देख लीजिए मेरा हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं हाथ करके ऐसे करके दोनों उंगली आप देख सकते हैं, यहाँ कोई बटन नहीं होता है, ये आप लोग को पता है जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं सबको पता है कि यहाँ कोई ये कोने पर कोई बटन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल रियल है और इतना भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर पे ओपन हो गया, जहाँ पे मतलब आप देखेंगे जिस तरीका से, और आपका फेस ये जो कोना पे जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे एकदम कोना पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे फेस आपका डिटेक्शन कर लेता है और उस हिसाब से ये होते रहता है। ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप अगर ऐसे करके ओपन करते हैं, बैक करते हैं, खोलते हैं तो खुल जाएगा। अब चलिए एक बार मैक्स प्लेयर हम लोग ओपन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैक्स प्लेयर इसको ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए यहाँ से एक बार क्लिक कर लेंगे, मैक्स प्लेयर पे आएंगे तो मैक्स प्लेयर देखिए आके ओपन हो गया। मैक्स प्लेयर ओपन होने के बाद यहाँ से कोई भी वीडियो आप प्ले करना चाहेंगे तो प्ले हो जाएगा, जैसे ऊपर वाला को मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये यहाँ आ गया। उसके बाद से ये एक वीडियो मैं प्ले करके एक बार आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए वीडियो जो है ऑटोमेटिकली प्ले होने लग गया, देखिए। तो ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इस एप्लीकेशन का नाम जो है, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये आप डाउनलोड कर लेंगे, इसका नाम है ईवीए फेशियल माउस। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम है ईवीए फेशियल माउथ, जो आप अगर इंस्टॉल करेंगे तो कुछ परमिशन देना होता है, परमिशन देंगे, परमिशन देने के बाद आपको राइट साइड में जो फॉलो करेंगे और राइट साइड में देखेंगे चारों कोने पे, जैसे जैसे मोबाइल का यहाँ 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 एक रेड रेड टाइप का रहेगा या ब्लैक टाइप का रहेगा, उसको अपने आँखों से जैसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चारों कोन पर मैच कर लेना है। सेट विजार्ड बोल के एक ऑप्शन आता है, उसको कर देना है और करने के बाद आप कर सकते हैं। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, एक बार मैं इसको ओपन करता हूं, यहां से देखिए एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो इसको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहां पे देखिए ये जो ईवीए माउस लिखा हुआ है, ईवीए माउस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से परमिशन देना है, उसके बाद से ये जो ओके का ऑप्शन है ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है।
ये दोनों देखिए इनेबल ईवी और इनेबल वॉइस कमेंट दोनों ही लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपको सेट विजार्ड पे आपको क्लिक करना है, यस रिकमेंडेड लिखा हुआ है तो इसको भी आपको क्लिक कर लेनी है। और ये जो देखिए ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, मतलब फेस आपका डिटेक्ट अभी तक नहीं किया लेकिन ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, तो इसको आप नेक्स्ट करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको आप नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है फेस डिटेक्शन, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए फेस डिटेक्शन लिखा हुआ है, तो फेस डिटेक्ट मेरा कर लिया कैमरा के द्वारा। तो या उसके बाद से आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहीं पे देखिए कोना पे आप देख पा रहे होंगे, कोना पे ये देखिए मैं अभी यहाँ पे देखा तो ग्रीन हुआ, यहाँ पे अगर करेंगे तो ग्रीन हो गया, फिर नीचे में देखिए तो ग्रीन हो गया, फिर आपको इधर भी करना होगा, ये कोना में देखिए हल्का सा रेड है तो इसको भी आपको ग्रीन कर लेनी होगी ऐसे अपने आँख से देख के, ठीक है ग्रीन हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है टैप टू कंटिन्यू, तो अब आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है और डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टैब हियर, इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब आप आ गए, अब आपका काम जो है कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से आप बैक कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, सेटिंग इसका यही था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद और वंदे मातरम, जय हिंद।